देश के 200 करोड़ या ऐसे बोलिए कि टैक्स पेयर्स के 200 करोड़ खर्च हुए हैं पिछले 2 सालों में राज्यसभा एमपीज के ऊपर। और ये पैसा आता है एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास इंसान की तनख्वाह से। कुल 245 मेंबर्स हैं फिलहाल राज्यसभा में, जिनमें कुछ बड़े नाम शामिल हैं जैसे निर्मला सीतारमण, राघव चड्ढा, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, जया बच्चन, ऐसे बहुत नाम हैं। बात करें इन 200 करोड़ के हिसाब की तो केवल उनके ट्रैवल पर 63 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक आरटीआई के जवाब में ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि साल 2021 से 22 में कोविड के बाद राज्यसभा मेंबर्स पर देश के ट्रेजर से 97 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। 97 करोड़ रुपए में से 28.5 करोड़ रुपए डोमेस्टिक ट्रैवल और 1.5 करोड़ रुपए इंटरनेशनल ट्रैवल पर खर्च किए गए हैं। एक तरफ 57.6 करोड़ रुपए की सैलरी बांटी गई तो दूसरी तरफ मेडिकल बिल पे 17 लाख रुपए और कार्यकाल खर्च पे 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा इन सांसदों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहायता पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मध्य प्रदेश की ओर से आईआरटीआई एक्ट के इन सवालों का जवाब राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने दिया है। साल 2021 से 2023 में कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें घरेलू और विदेशी यात्रा में 33 करोड़ रुपए शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय ने कहा है कि 2022 से 23 के दौरान सांसदों के वेतन पर 58.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि घरेलू यात्रा पे 30.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और विदेश यात्रा पे 2.5 करोड़ रुपए, मेडिकल पर 65 लाख रुपए और कार्यकाल पर 7 करोड़ रुपए, इसके अलावा आईटी सर्विसेज पर 1.5 करोड़ रुपए। आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि राज्यसभा के पूर्व सांसदों यानी फॉर्मर एमपीज के डोमेस्टिक ट्रैवल पर 2021 से 22 में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2022 से 23 में 70 लाख रुपए खर्च किए गए। 2021 में रिकॉर्ड के मुताबिक विंटर सेशन में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 43% रही, वहीं मॉनसून सेशन में 29% और बजट सेशन में मात्र 24% रही। आपको ये पूछे कि इनमें से कितने लोग सरकारी घरों में रहते हैं और कितने खुद घरों में रहते हैं। देश को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो ऐसी बहुत और जगह है जहाँ पर ये करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए बेटर यूटिलाइज हो सकते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं जो टैक्स भरते हैं, तो आप बताइए आपको इस खर्च के ऊपर क्या कहना है।